हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूँ पर्नी मछली बनाने का एकदम देसी तरीका। सबसे पहले मैं आपको इसे क्लीन करने का तरीका बताऊंगी। तो इसे बनाने के लिए आपको यहाँ पे मछली लेनी है, उसके बाद आपको एक कैंची लेना है और इसकी जो पंख है इसे कट कर देना है। इस तरह से जब आप कैंची से कट करेंगे तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी सारा काम हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसके पंख कट कर दिए हैं। अब आपको यहाँ पर ये जो आगे की तरफ ये जो कांटा होता है इसे कट कर देना है, और कट करने के बाद आपको इसे इसकी मीडियम साइज की पीसेस कट कर लेनी है अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने पीसेस को कट करके अच्छी तरह से धो लिया है और ये एकदम क्लीन हो गई है। मछली को अभी हम रख देंगे साइड में। अब हम यहाँ पे मसाला बनाएंगे। तो इसके लिए आपको एक पैन लेना है, इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच साबुत धनिया, 4 से 5 सूखी लाल मिर्च, साथ ही में लेंगे हम यहाँ पे 10 से 12 कलियां लहसुन की, साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 2 इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, और इसके बाद डालेंगे 1 चम्मच काली वाली सरसों। सरसों डालना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम करके इसे हल्का सा हम रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको इसे ड्राई रोस्ट करना है। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे लो फ्लेम पे पका लिया है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और मसालों को हल्का सा ठंडा हो जाने के बाद हम इसे ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। उसके बाद आपको इसमें डाल देना है 1 बड़े साइज का रफली चॉप किया हुआ प्याज, और प्याज डालने के बाद आपको यहाँ पर इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालना है, ऐसे ही इसे पीस लेना है। पानी सा पेस्ट आपको इसे बना के तैयार करना है। अब हम यहाँ पे मछली लेंगे और इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच डालेंगे हम इसमें धनिया का पाउडर, 1/2 चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और अब हम इसमें डाल देंगे पेस्ट जो भी हमने बनाया था। और पेस्ट डालने के बाद हम यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारी मछली यहाँ पर मसालों से कोट हो जानी चाहिए, और इसे कोट करने के बाद हम इसे रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए। मैरिनेशन के लिए आपको इसे फ्रिज में रखना है, और 15 से 20 मिनट के बाद हम यहाँ पर इसे पकाएंगे। तो पकाने के लिए आपको यहाँ पे 200 ग्राम सरसों का तेल लेना है, इसमें डाल देंगे 1 चम्मच काली वाली सरसों, इसे हल्का सा हम यहाँ पर क्रैकल कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे मैरिनेट की भी मछली, और मछली ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम हाई करके आपको इसे चलाते हुए हल्का सा भूनना है, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी स्मेल ना रहे। तो यहाँ पे आपको इसे चलाते हुए पहले भूनना है। तो यहाँ पे हम इसे चला के भूनेंगे, और बहुत ज़्यादा आपको इसे चलाना नहीं है क्योंकि मछली बहुत जल्दी पक जाती है, और जब ये पक जाती है जब आप इसे चलाएंगे बहुत ज़्यादा तो ये टूटना शुरू हो जाएगी। अब हम इसमें डाल देंगे ग्रेवी के लिए पानी 2 कप, ग्रेवी अपने अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं। और ग्रेवी लगाने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अगर हो तो डाल दें। और इसको डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे, हल्के हाथों से ही आपको इसे चलाना है। और मिक्स करने के बाद हम इसे पका लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, और मछली जो है यहाँ पे 100% तक कुक हो गई है। अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम कर लेंगे सर्व। तो यहाँ पे मैंने मछली को सर्व कर लिया है। अब आप यहाँ पे मछली को राइस के साथ में सर्व करें या फिर रोटी के साथ में। आप यहाँ पे पीस देख सकते हैं, बिल्कुल भी टूटी नहीं है, एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुई है, और एकदम देसी स्टाइल में बन के तैयार हुई है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दें जिससे कि मेरे आने वाली नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोनी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।